अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनावों के सभी 60 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों में से सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि एक सीट एसटीएफ के खाते में गई। अरुणाचल में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 60 सदस्यीय विधानसभा में पहले ही 10 सीटें निर्विरोध जीत ली थी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, उनकी पत्नी कृष्णा कुमारी राय, पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग और पूर्व भारतीय फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया 146 उम्मीदवारों में प्रमुख उम्मीदवार थे। भूटिया चुनाव हार गए हैं। आपको बता दें कि एसकेएम और एसटीएफ ने सभी 32 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उसके बाद बीजेपी 31, सीएपी सिक्किम 30 और कांग्रेस 12 ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन था। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट को भ्रष्ट यूनिट बनाकर रखा हुआ था। उस समय यहाँ कोई भी काम करवाना हो तो यहाँ होता नहीं था। बीजेपी आने के बाद विकास शुरू हुआ। मैं हल्का सा पीछे कुछ मैं लेके जाना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल में लंबा समय तक कांग्रेस ने रूल किया है, तो इसमें देखिए कि नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल को एक करप्ट सिस्टम, एक यूनिट बना के रखा उन्होंने। दिल्ली में जो बैठने वाला कांग्रेस के लीडर्स, उस वक्त में यहाँ नॉर्थ ईस्ट में काम करवाना हो तो पैसा वहाँ दिए बिना यहाँ काम होता नहीं था। बीजेपी आने के बाद अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश में आज जो वोटिंग का काउंट का जो रिजल्ट आया है उसको देखिए, और बाकी नॉर्थ ईस्ट का राज्य में भी देखिए, बीजेपी का प्रति काफी लाइकिंग है, क्योंकि बीजेपी इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। सो इस प्रकार से जो डेवलपमेंट को देखते हुए तो पूरा बीजेपी का साथ दे रहा है, और कांग्रेस का तो देखिए अभी पूरा जड़ से उखड़ दिया है। यहाँ पे केवल आउट ऑफ 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी केवल एक में ही उन लोगों ने जीत दर्ज कर पाया है। इससे साफ इंडिकेशन है कि देयर इज नो प्लेस ऑफ फॉर कांग्रेस इन अरुणाचल प्रदेश। मैं हल्का